जय श्री सूर्य नारायण। अर्कक्षेत्र कोणार्कर आउ एक अध्याय आपण मानक स्वागत करुचु। कोणार्क आम अस्मिता बोधर एक सुंदर प्रकाश हुई ए जातिर प्रकृत परिचय को सिद्ध करिछि। कोणार्क तार परिमंडल रे रहिथिबा कीर्तिराजी से स्थापत्य हो कि भास्कर्य हो से पुराणर कथावस्तु को नहीं जो सुंदर कहानी सब रही अथवा हो विभिन्न किंवदंतीर प्रसंग एसबू आधार रे अर्कक्षेत्र परिक्रमा को नहीं कोणार्क अर्कक्षेत्र गरिमा संपर्क में आपण मानक अवगाहन करिवार एक विशेष प्रयास आपण मानक आज अध्याय आम स्वागत करुचु। एवं जितेन्द्रिय पीठ भाव कोणार्क प्रसिद्धि को नहीं आज चर्चित प्रसंग उपर आलोचना करने आम सहित विशिष्ट आलोचक गण उपस्थित रही। आम प्रथम स्वागत करूँ विशिष्ट नाट्य अभिनेता निर्देशक साहित्य एवं संस्कृति समीक्षक माननीय श्री चित्तरंजन शतपथी महोदय को एवं आम सहित रही साहित्य संस्कृति विशिष्ट गवेषक कोणार्क उपरे अध्ययन एवं अनुशीलन करथिबा व्यक्तित्व माननीय श्री आभास चरण महांती महोदय आपन को कार्यक्रम में स्वागत करने सहित आम प्रथम श्रीयुक्त शतपथी आपण आम जानवु वास्तविक पुराण से यही अर्कक्षेत्र कोणार्क को नहीं एवं आमर जो चारोटी प्रमुख क्षेत्र उत्कल भूमि रही विशेष वर्णना रही आपण विशेष भाव में आम जहाँ पुरुषोत्तम महात्म्य कहतु कपिल संहितार सुंदर वर्णना कहतु शंख क्षेत्र पुरी एवं चक्र क्षेत्र भुवनेश्वर गदा क्षेत्र विरजामंडल माँ जाजपुर माँ विरजामंडल से अधिष्ठात्री देवी जोठी उपासित होती पद्म क्षेत्र भाव आम कोणार्क को ग्रहण करे विशेष भाव यही अर्कक्षेत्र कोणार्कर कौन रही वैशिष्ट्य जहाँ ओडिशा को एक पावन भूमि ओडिशा को एक क्षेत्र मर्यादा प्रदान कर सूर्य सहस्रांशु तेज राशु जगतपते अनुकंप्यामा भक्त प्रणमामि दिवाकर रविनारायण भास्कराय तपनाय अरुणाय सविताय धर्मराजाय दीननाथाय दिवाकराय प्रभाकराय घृणी सूर्याय नमन नम। अति उत्तम प्रश्नटे पचारे आज प्रभात जिते कहले भी सरवनी किंतु आरंभ तो कौट करने को पड़ो तेणु यू आरंभ करवा आमर उत्कल कलिंग उड़र आमर जो आमर प्रदेश मुझे भी भावे बहुत महान देश बोली भावे कारण यार जुगे जुगे कौना कौटी यार प्राधान्यता रही आग को निश्चय मत रेकोसी परेश परिस्थित आप देखिए उत्कल ना आज जो ओडिशा ना होशा ना भी सब जगार विद्यमान तेणु आम जो महाभारत को भी अड़ेवा से भी कलिंग रही आते आम बर्तमान कथबार्ता हो अर्क क्षेत्र सूर्य क्षेत्र पुरुषोत्तम क्षेत्र आमर एकाम्र क्षेत्र ये गोटे त्रिकोण में रही एकाम्र क्षेत्र हूँ भुवनेश्वर आपण पुरुषोत्तम क्षेत्र शंख क्षेत्र भी कहते पुरी श्री जगन्नाथ धाम एवं अर्क क्षेत्र हूँ आमर पद्मक्षेत्र अर्क क्षेत्र कहते कोणार्क ये जितेबले अर्क क्षेत्र आसूची आम के प्रमाण नवा कौन कहते जमी विभिन्न पुराण जा ब्रह्म पुराण यह कोणादित्य कहते स्कंद पुराण सूर्य क्षेत्र प्राची महात्म यह अर्क क्षेत्र बा रवि क्षेत्र नाम परिचित भविष्य पुराण में मित्रवन सांब पुराण में मैत्रवन इत्यादि इत्यादि आहरी अनेक ना रही अनेक पुराण मानक विभिन्न वर्णना रही अर्क सूर्य को एक आप कहे अन्य नाम आई अर्क आम जितेबले मेडिसिन भी खाती अर्क प्रस्तुत कराए अर्क ही समस्त रोगर नाशक था ठीक एटी सकल शक्तिर आधार सूर्य महाप्रभु जहाँ को आदित्य नारायण बोली कह जाए तांकरी क्षेत्र यहाँ तेणु ये जो सी अच्छा आणसी प्रकार ये अन्याय अनीति कौन सी प्रकार रोग व्याधि क्या आक्रमण करें तेणु अर्क क्षेत्र को आम जिते जाऊँच आम जानते माघ मस बुड़ दि जाए जननी सर्वभूताना सप्तमी सप्त सुप्तिके सर्वव्याहृतिके देवी नमस्ते रविमंडले
माघ सप्तमी रे भक्त माने सेठारे समवेत होई स्नान करी सूर्य को प्रणाम करी आशीर्वाद अंजलि जल अंजलि देकरी से माने जेतळ जल अंजलि दिथांती एतळ बेलबेले हमर प्रश्न आसे एते दूर आमे ठाकुर को दोचंती पानी कोन से सत्र ग्रहण करचंती किंतु से त अंतर्जामी से निश्चय ग्रहण करचंती आमा भितरे सेई भाव रहितबा दरकार सेई भाव रे भाव को सहित दिजण मिसिकरी सद्भावना सृष्टि हेतै तेणु अर्क क्षेत्र आम सूर्यंकर रविमंडल सीटा से जेकोसी आम परिस्थिति में जाचिले आम जेकोसी मनस्कामना थी सामान्य दृढ़ता नहींको सेठी आउ गोटे जिनस रही ब्रह्मचर्य ये ब्रह्मचर्य जिनसटा आमर संसार भितर गोटे बहुत बड़ जिनको आम आग को मुझे कह विशेष भाव में कि बर्तमान से ये कह कि अर्क क्षेत्र महात्म्य कहवा जे सेठी मनीष जेकोसी मनस्कामना नहींको सामान्य दृढ़ता रहा मानी से सूर्यंकर डायरेक्ट प्रभाव से रोचे से जो प्रभाव रे आपणकर जेकोसी कर्मश नाश हो पार आम देखूजे अर्क क्षेत्र विभिन्न दृष्टि तार वैशिष्ट को प्रतिपादन करी तेज कहीं गोटे क्षेत्र सूर्य उपासनार एक प्रमुख क्षेत्र भाव समग्र विश्व केवल भारत में कहले बोधुए यह जथेष होबना समग्र विश्व अर्क क्षेत्र कहले आम कोणार्क को ही बुझौ एवं जहाँ पुराण रे विभिन्न समय रे जहाँ व्यापक वर्णना रही अर्क क्षेत्र कहले केवल कोणार्क को आम बुझी था साधारणतः कहीं एत गुरुत्व बहन करुच्ची सूर्य उपासना को नहीं अर्क क्षेत्र कोणार्क देखो तो बहुत पुराण मानक जो विभिन्न प्रकार नामकरण कराई अर्क क्षेत्र नामकरणटा आपको कहूँ सारा महाभारत वर्णना पृथ्वीर अग्नि कोणे दैत्य हेला नाश एणु क्षेत्र हेला अर्क क्षेत्र रे विख्यात अर्क दैत्य को सूर्य विनाश करिवारु सूर्य को नाम होची अर्क अर्क दैत्यंकर पितांकर नाम होची भास्कर दैत्य तांको सूर्य निधन करिवारु तांको नाम भास्कर होची भास्कर दैत्यंकर पितांकर नाम होची लोहासुर ये महिषासुरकर जन सेनापति थिले लोहासुरंकर जेजे बाबा होची रहिजंदी राहु राहु ठारु राहु काश्यप ऋषि ठारु जन्म होती सिंह जमी काश्यप तेरटी पत्नी प्रथम पत्नी का ना हूँ अदिति पुत्र होंगे आदित्य तेणु अदिति ठारु जन्म होतीबारु सूर्य ना हूँ आदित्य ये जो नामकरण हो पुराण मानक से ही अनुसार क्षेत्र महात्मा बढ़ी तेणु ये क्षेत्र हूँ गोटे योग ध्यान तप एवं निष्ठा कामनार पीठ कामना बासना पूर्णर पीठ हूँ कोणार्क तेणु ये कि समस्त आसी सूर्यंर जो रश्मि ये जो प्रतिफलित होती गोटे भावना गोटे शिहरण जाग्रत हो इंद्रिय सत्ता को जाग्रत एवं मनन क्रिया परिस्फुट हो इच्छाशक्ति तार ऊर्धगति होणु ये क्षेत्र में महत्व रही भारतवर्ष तेणु कृष्णंर पुत्र जो श्यांब ये खाली आसी कुष्ठ रोग आरोग्य नुह तांकर जो अहमिका थिला मु सुंदर ये सुंदर भावना जो अहमिका को इठे नाश कर इंद्रिय भूत इंद्रिय को से परित्याग कर संसार को देखते ये क्षेत्र हूँ एमती क्षेत्र जोठार मनुष्य तार पूर्ण बासना कामना सब पूर्णर मनस्काम क्षेत्रस्थल हूँ कोणार्क तेणु ये अर्क हूँ जहाँ को पूर्व वक्ता कहते जो जिनसर गोटे अर्क रही अर्क रु जो परिस्फुट हुए जहाँ को हनुमान होमिओपाथी मेडिसीन भी वर्णना करूँ जो जिनस परिस्फुट हूँ से सूर्यंर जो निहित रही जो शक्ति से शक्ति ही अर्कर परिस्फुट तेणु ये जगार महत्व भारतवर्ष तथा विदेश में आपड़ जाथे कोणार्कर महत्व आज बढ़ी स्थापत्य शैली नुह यह आमर प्राचीन परंपरा पद्धति नीति नियम धर्म धारणा पर्वपर्वाणी जीवन जापन शैली निहित रही कोणार्क भितर तेणु ये महानता रही विश्व आम देखु श्रीयुक्त शतपथी श्रीमद भगवत गीतार जहाँ कहुच जितात्मनः प्रशांतस्य परमात्मा समाहितः शीतोष्ण सुख दुखेषु तथा मान अपमानय से माने होती जितात्मन से माने होती जितेन्द्रिय जो माने मान एवं अपमान को विजय एवं पराजय को समज्ञान ग्रहण करती तेणु आम जितेबले गवेषक मानकर कथा को उद्धार कर पुराणाचार्य मानकर से वर्णना को उपजीव्य करी आम जिते बहुत एक जितेन्द्रिय पीठ भाव में उद्घोषणा करुचे वास्तविक कौन आईपा कि आम प्रामाणिक तथ्य मध्य पारा से पुराण आधार रे जे यह एक जितेन्द्रिय पीठ बोली देखो मो नाटक जो शिलापद्म करी नाम चंद्रभागा अतुल्य कोणार्क इतिहास से मुझे
अर्क क्षेत्र जितेन्द्रिय पीठ कोणार्क यही स्थान रे श्रीकृष्ण पुत्र शाम्ब 12 वर्ष काल ब्रह्मचर्य व्रत रे निष्ठार सह सूर्य आराधना करी अभिशाप मुक्त होइथिले। एठी रखिबा आगु को जीवा श्रीकृष्ण पुत्र शाम्ब श्रीकृष्ण को अनेक राणी थिले एवं तांकर अनेक पुत्र संतान संतति थिले सेमानक भीतर शाम्ब जी थिले अत्यंत सुंदर थिले आ तांकर सुंदरता पई से कहा को मानु नथिले। सेही समय रे नारद को श्रीकृष्ण अनुरोध करथिले कि केमिति से मो संतानटी को टिके सुधारी दियंतु कारण एते गर्व हेले एते अहंकार हेले मु तो काहरी गर्व सहिनी ये तो छुआटे। सेही समय रे नारद अनेक प्रचेष्टा करिसेंती कि तांकर केमिति गर्व अहंकार कमी जाऊ मात्र से प्रलोभित हो नथिले किंबा से तांकर आज्ञा को अवज्ञा करथिले मानि नथिले। सेही समय रे नारद चाहिले आंकु गोटे कोनसी प्रकार उचित शिक्षा देवाक पड़ो से गोटे कारण कलह नारद सब केमी कलह लगे रही था तेणु से कौन कले गोटे से कौन कले कृष्ण को कहले देख तुम पुत्र केमी नारी मान सह मिशुच्छे मुता भितर को जीवन से पत्नी मान सहित कही के सत्य केत दूर मिथ्या कितु नारी मान सहित से मानकर किपरी संपर्क रही संपर्क सेपटे कहीकिपट कौन कर शाम्भ को कही आज चल से अमुक पोखरी से अमुक सब आसी सुंदर मैंने चल देखिया सही तो दु जन को आ श्रीकृष्ण को शाम्भ को गोटे जगह मिलन कर दे जोटी की देखुं श्रीकृष्ण पुत्र शाम्भ नारी मान गहन रही क्रीड़ा करोधित हो गले से अभिशाप देते कि तेत कुष्ठ रोग हो परम ब्रह्म वाक्य के अवाक्य हाँ अंधा जीवन नहीं तेणु तुरंत सेगले कि शाम्भ अनेक अनुरोध कर तांकर निजर भूल को बुझीपार से समय रे से सेठू कही ठीक अच्छे तो या तुम या ध्यान कर प्रायश्चित कर कौटी कर कलिंगे द्वापर युगर कथा ये सेतबेले तमने कलिंग थिला कलिंगे अर्क क्षेत्र जोटी भानुंकर तिज्यक रश्मि आसिक प्रथम भूमि पृष्ठ को छुए से तुम जाजर प्रायश्चित कर से आसी से समय एटा आमर पुराण मैंने कौन आम्भे कौन से आसिक पहुँचला जितेन्द्रिय होते प्रथम से कौन जेहेतु सुंदर थे आता रति आमदेव तेणु से सब जो सौर्य बीर्य रही से संपूर्ण भाव में निरोध करके एकनिष्ठ भाव व्रत 12 वर्ष काल ब्रह्मचर्य व्रत पालन करके निष्ठार सह सूर्य आराधना करते आ सूर्य सकल शक्ति आधार मुझे सब वे कही कहती तांक पाखरे जदि आमे गुहारी कले कौनसी आमर अजथा जीवनी निश्चिंत आमे फल प्राप्त होगा सेठी जेतो सूर्य आसी पहुँचती कहते हौ पुत्र एथर बर माग प्रथम बर मागुचंती प्रभु मु आपनको पाद तले सब बळ रे कि अद्भुत तमे जोथि पे आस्त से बर मागुन से कहते आ गोटे बर माग तापर से तांका निज पे मागिचंती सेठी से अभिशाप रु मुक्त होइतिले। ठीक सही परी राजा नरसिंहदेव मध्य जेतेबले शुणीपारिचंती जे ब्रह्मचर्य व्रत आमर समस्त शिल्पी माने ग्रहण करिकरी ए कार्य करुचंती प्रणाक निर्माण रे लागिचंती तेणु से मध्य प्रजा मानक आदर्श पई राणी कठारु 12 वर्षर गृहस्थ जीवन ब्रह्मचर्य व्रत मागि नैथिले आ सेही ब्रह्मचर्य व्रतर प्रतिफलन होचंती सूर्य कोणार्क मध्ये आजा आपण कहिले भारतीय एथरु आमे निश्चित रूपे शिक्षा नेबा जे भारतीय संस्कृति रे भारतीय धर्मधारणा रे रहिचि जो नीति शिक्षा देवाई साधारण जनजीवन को विशेष भाव में उचित मार्ग में प्रभावित होगापी जो प्रचोदना देवाई आम भारतीय संस्कृति पुराण साहित्य को आम एक आधार करे अभिशाप दिया जाए किंतु अभिशाप मोचन मार्ग भी प्रशस्त कराए तार एक सुंदर उदाहरण हूँ शाम्भ प्रसंग शाम्भ प्रसंगर आम अनेक शिक्षा नेवा जन विशिष्ट गवेषक आम श्रीयुक्त महांती देखू वास्तविक जहाँ श्रीयुक्त शतपथी महोदय कि समय पूर्व कहुले से शाम्भर प्रसंग को नहीं जे ए स्थान हूँ गोटे जितेन्द्रिय पीठ भाव में आम यह ग्रहण कर सूर्य उपासना सूर्य को आवाहन करने आम भितर शुद्धता शारीरिक शुद्धता अवयवर शुद्धता जो भाई भाव में शुचितार जो भाई आवश्यकता रही अनुरूप भाव में आम ब्रह्मचर्य रक्षा करार्ता पाचे ब्रह्मचर्य पालन कर
निष्ठार सहित जे सूर्य को आवाहन करिबो से जितेन्द्रिय हो पार से तार इंद्रिय उपरे से विजय लाभ करेभरी जितेन्द्रिय मनुष्य पक्षे सबकि असंभव को संभव करिबा निश्चित रूपे साध्य हो पार एने आपण कौन कहे यहाँ जितेन्द्रिय पीठ बोली कहा पचरू ये प्रसंग रही है कि भाव में युक्तितः सिद्ध कर इंद्रियर नाथ हूँ मन इंद्रिय हूँ दुई प्रकार गोटे कर्मेन्द्रिय गोटे ज्ञानेन्द्रिय पाँच पाँच दस ये दस इंद्रिय भितर आम शरीर भितर हूँ नवद्वार ब्रह्मर रंध हूँ दस ये मस्कुलाइन ये फेमिनाइन ये दस रंध्र भितर आम साधना करवा प्राणायाम करवा योग करवा निष्ठा करवा यार भितर सब था यार भितर जीवन था यार भितर आत्मा था यार प्राण था पंच प्राण था तेणु आपको जो कंट्रोल करिबार जो प्रचेषा स्वयं जे भगवान कृष्ण जी हमें माया जी हूँ सुंदर प्रतीक सी तर पु जो अभिश्राप कुष्ठव्याधे पीड़ित हो निर्देश अनुसार अर्क क्षेत्र आसी एठ योग कर बार वर्ष तेणु तक शरीर को सी आग चिंता कर मो शरीर कौन मु कहीं क्षतिग्रस्त है मु कहीं गर्व कली मु कहीं मोर सौंदर्यटा को मान देखली लोकलोचन नारद क्रोधित हो मत पठेले एटी आसिले योग करने तेणु ये सी जितेन्द्रिय हबार मुख्य कारण हूँ निजक निजे से चिन्ह पाइले शिव सहिंदर कह सार्धलक्ष त्रयनाड्यम शांति देहांतरे नृणाम जमी शरीर भितर बास्तर है नाड़ी नर्व सिस्टम बड़ी ये नर्व कंट्रोल करने खाद्य पेय सज्य सब आवश्यक दरकार तार सिस्टमेटिक जो गुरुकूल नियम भित्तिक ये रही मैत्रीय ऋषि आश्रम तेणु सी नियम भित्तिक से कार्यक्रम करते चर्जा भित्तिक रही है तेणु योग करते निजक निजे ये जगह से महत्व अच्छी तार सूर्य जो शक्ति रही परिस्फुट हो आरोग्य लाभ कर तेणु ब्रह्मचर्य जितेन्द्रिय ये सेम कनसेप्ट तेणु इंद्रियाणंग मनोनाथ मनोनाथ तुमारु मारु तानंग लयनाथ मास्त्रीते नाद नाद उपरे ज्योति आम से जीवा जो आठ जावा तेणु ताको कंट्रोल करें निश्चय इंद्रिय हो पार आम गोल पाखे पहुँची पार आम जो उद्देश्य आसी से उद्देश्य पहुँची पार तेणु एक क्षेत्र महात्मा परंपरा पद्धति रही मंदिर भागीगले सुधा रही स्थान में से स्पिरिचुआल अटाचमेंट रही तेणु ये महत्व विश्वविदित तेणु कोणार्क अर्क क्षेत्र एक महान स्थान अटे ये कृष्ण एवं श्यामंकर प्रसंग रु आम अंत पक्षे ये कोणार्क अर्क क्षेत्र उपरे निश्चित रूपे यार प्रभाव किभली भाव रही आम अनुभव करूचे जो निजर गर्व गंजन हो निजर गर्व को से परिहार कर अहंकार को परिहार कर क्षेत्र को आसवाप से इंद्रिय उपरे निजर संयम रक्षा करी निजे सूर्य को उपासना करपास्यर कृपा एवं करुणा लाभ करती जो मैंने निजक संपूर्ण भाव मनन कर संपूर्ण भाव समर्पित करी समर्पण उच्छ्वास ही साम को सूर्य आशीष प्राप्ति सांबंकर मार्ग को प्रशस्त कर तेब आम जो नरसिंहदेव कथा आलोचनार परिसरभुक्त करू किभली भाव नरसिंहदेव पुराण प्रसंग द्वारा प्रचोदित होती श्रीयुक्त शतपथी देखु वर्तमान आम जो कोणार्क मंदिर बोली जहाँ को देखुं से केवल मुखशाला रही मंदिर किए देखी केबे देखी केमी प्राय जाना ना इतिहास भी कौटी जल्दी लिखाई थी ता भी हम मिलनि बोध एपर्त कौन ऐतिहासिक सेमती एपर्त तार दृष्टांत देना ये मोर गवेषणा भितर किंतु इतिहास एक जे यही मंदिर आमर लांगुला नरसिंह द्वारा द्वादश शताब्दी में निर्माण होता मान्य सूर्य पूजा ना आगु सूर्य पूजा या पूर्व अनेक पूर्व रही जदा जदा ही धर्मस्य जेबेठ सूर्य रही तारा रही से सब नक्षत्र रही गैलेक्सी रही विश्व रही से सब चली आस रही आगुक भी रेणु सूर्यंर आराधनापी मुठी ब्राह्मण बोली केवल कह मानव जाति को समस्त शिक्षा नियंती समस्ते संस्कारी हमें संस्कार प्रथम जिनस कराए सूर्य पूजा जेकोसी आम नित्य नैमित्तिक पूजा मध्यम भी आम कही था आदित्य को आह्वान करते जलांजलि पूजा इत्यादि करके डेभेट कर फास्ट आम यू जा पछपट को आम वर्तमान परिस्थितर टे पछपट जावा आम जितेबले संस्कार हमें ब्राह्मण हिसाब से आम जो यज्ञपवित धारण करती प्रथम कहते ठीक अच्छे यज्ञपत पिंधिल बर्तमान गायत्री दस माली करके सूर्य को जल दे आसतु कहीं कौन पीला
ସେ ସମୟରେ ବି ସେମାନେ ଆମ ଭିତରେ ସେହି ସଂସ୍କାରକୁ ପୁରାଇ ଦେଉଛନ୍ତି କି ଆମେ ଯଦି ଜଳ ଦେଉଛନ୍ତି ଆମର କନେକ୍ସନ୍ ଆମର ଯେଉଁ ସମ୍ପର୍କ ସେ ସମ୍ପର୍କ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି ଆଉ ସେ ସମ୍ପର୍କ ଭାବ ଦ୍ୱାରା ହୁଏ କାରଣ ସବୁବେଳେ କହନ୍ତି ନା ତର୍କ ବହୁ ଦୂର ତର୍କ କଲେ କିଛି ମିଳିବନି ତେଣୁ ଭାବକୁ ନେଇକି ଆମେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା ସେହି ଭାବର ସହ ଆମେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ହୋଇକରି ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ସଂଯୋଗ ହୋଇକରି କାରଣ ଯେମିତି ଭାଇ କହିଲେ ଆବାସବାବୁ କହିଲେ ଯୋଗ ଯୋଗ ମିନ୍ସ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ଯୋଡ଼ିଦେବା ପ୍ଲସ୍ ତେଣୁ ସେହି ଯୋଗ ହେବା ପାଇଁ ଆମର ଇଏ ଗୋଟେ ପ୍ରୟାସ ସୂର୍ଯ୍ୟ କେତେ ହଜାର କିଲୋମିଟର କେତେ ସହସ୍ର ଲାଇଟ୍ ଇୟର ଦୂରରେ ଅଛନ୍ତି ଆମେ ଆଉ କେତେ ଦୂରରେ ଅଛନ୍ତି ଏଠୁ ପାଣି ଦେଉଛନ୍ତି ଆଉ ସେ ପାଉଛନ୍ତି ଆମର ମନସ୍କାମନା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଉଛି ତେଣୁ ସୂର୍ଯ୍ୟ ପୂଜା ନରସିଂହଦେବଙ୍କ ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଥିଲା କିଏ ସ୍ୱର୍ଗତ ପୁରନ୍ଦର କେଶରୀ କେଶରୀ ବଂଶଜ ରାଜା ଚୋଳଗଙ୍ଗ ଦେବ ଯେତେବେଳେ ଦାକ୍ଷିଣାତ୍ୟରୁ ଆସିଥିଲେ ଆସିକି ତାଙ୍କ ସମୟରେ ବି ସୂର୍ଯ୍ୟ ପୂଜାର ବିଧାନ ରହିଥିଲା ଏବଂ ପୁରନ୍ଦର ସ୍ୱର୍ଗତ ପୁରନ୍ଦର କେଶରୀ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ କରିଥିଲେ ଯାହାକି କାଳକ୍ରମେ ଅବକ୍ଷୟ ହୋଇଯାଇଛି ଏବଂ ଜରାଜୀର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଆସିଥିଲା ରାଜା ନରସିଂହଦେବଙ୍କର ପୂର୍ବ ନରସିଂହଦେବ ପୂର୍ବଜ ହେଉଛନ୍ତି ପୁରନ୍ଦର କେଶରୀଙ୍କ ତେଣୁ ସେ ବି ବହୁତ ପୁରୁଣା କାହିଁକିନା ନରସିଂହଦେବଙ୍କ ଜଷ୍ଟ ପୂର୍ବ ତାଙ୍କ ପିତା ହେଉଛନ୍ତି ଅନଙ୍ଗ ଭୀମଦେବ ପ୍ରଥମ ତେଣୁ ପୁରନ୍ଦର କେଶରୀଙ୍କ ସମୟରେ ସେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ପୂଜାର ବିଧାନ ରହିଥିଲା ଏବଂ ସେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ କରାଇଥିଲେ ଯେତେବେଳେ ନରସିଂହଦେବଙ୍କ ମା ରାଜମାତା କସ୍ତୁରୀ ଦେବୀ ସେ ଚାହିଁଥିଲେ ଗୋଟେ ତେଜବାନ ପୁତ୍ର ପାଇଁ ତେଣୁ ସିଏ କ'ଣ କରିଥିଲେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଥିଲେ ସେହି ସୂର୍ଯ୍ୟ ମନ୍ଦିରରେ ଏବଂ ନିକଟସ୍ଥ ମହାବୀର ମନ୍ଦିରରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଥିଲେ ଏକ ଉତ୍ତମ ବଳବୀର୍ଯ୍ୟବାନ ସନ୍ତାନ ପ୍ରାପ୍ତି ପାଇଁ ତାଙ୍କରି ଦ୍ୱାରା ଯେତେବେଳେ ଆରାଧନା କରାଯାଇଥିଲା ତାଙ୍କର ମନସ୍କାମନା ଥିଲା କି ଯଦି ଆମ୍ଭେ ଏହିପରି ଏକ ସନ୍ତାନ ପ୍ରାପ୍ତି ହେଉ ତାହେଲେ ପୁନଃ ଏକ ସୂର୍ଯ୍ୟ ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ କରାଯିବ ଆଉ ସେଇଟା ହିଁ ହେଲା ପରେ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ କ'ଣ ହୁଏ ଆମେ ବେଳେବେଳେ ମନସ୍କାମନା କରିଦିଅନ୍ତି ଯାଇକି ତାରିଣୀଙ୍କୁ ନଡ଼ିଆ ପଠାଇବି କାମ ହୋଇସାରିଲା ପରେ ଭୁଲି ବି ଯାଆନ୍ତି ପ୍ରାୟ ସେମାନେ ସେଇଟା ସ୍ୱତଃ ପ୍ରଭୁତ ତେଣୁ ସେମିତି କିଛି ହେଇଥିବ ନିଶ୍ଚୟ ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ସେ ଅବିସ୍ମରଣ ହୋଇଥିବ ତାପରେ ଏହି କଥା ଜାଣିପାରିଥିଲା ନରସିଂହଦେବଙ୍କର ପତ୍ନୀ ସୀତାଦେବୀ କାଶ୍ମୀର ରାଜା ଜମା ସୀତାଦେବୀ ଯେଉଁଟାକି ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣଙ୍କ ଶିଳାପଦ୍ମ ଉପନ୍ୟାସ ଯେଉଁଟାକି ଡକ୍ଟର ପ୍ରତିଭା ରାୟଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଲେଖା ସେହି ଇଏରୁ ନେଇଛି ସିଏ ତାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଉଛନ୍ତି କି ମାତା କସ୍ତୁରୀ ଦେବୀଙ୍କର ମନସ୍କାମନା ଥିଲା ଗୋଟେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ମନ୍ଦିର ପାଇଁ ଯାହାକି ଏ ଯାବତ୍ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇନାହିଁ ସେହି ସୂର୍ଯ୍ୟ ମନ୍ଦିର ପୁନଃ ଉପସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ ରାଣୀ ସୀତାଦେବୀ ଅତଏବ ରାଣୀ ସୀତାଦେବୀଙ୍କର ପ୍ରେରଣା ମାତା କସ୍ତୁରୀ ଦେବୀଙ୍କର ମନସ୍କାମନା ଏବଂ ରାଜା ନରସିଂହଦେବଙ୍କର ଉତ୍ସାହ ଏ ତିନୋଟି ମିଶି ପଦ୍ମକ୍ଷେତ୍ର ବା ଅର୍କକ୍ଷେତ୍ରରେ ପଦ୍ମତୋଳା ଗଣ୍ଡରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ମନ୍ଦିରର ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତାବନା ହୋଇଥିଲା ଖୁବ୍ ସୁନ୍ଦର ପଦ୍ମବନରେ ଏବଂ ପଦ୍ମତୋଳା ଗଣ୍ଡରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣର ଯେଉଁ ପରିକଳ୍ପନା ଏକ ସଫଳ ରୂପାୟନ ନେଲା ତା'ର ଏକ ସାକାର ପ୍ରକାଶ ହେଲା ତାହା ଏ ଜାତିର ଅସ୍ମିତା ବୋଧର ଏକ କୀର୍ତ୍ତିମାନ ହୋଇ ଏକ କୀର୍ତ୍ତିସ୍ତମ୍ଭ ହୋଇ ରହିଆସିଛି ତେବେ ତାରି ଉପରେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆମେ ପୁଣି ଆଗାମୀ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଆଲୋଚନାକୁ ନେଇ କିଛି ନୂତନ ତଥ୍ୟ ଏବଂ ତତ୍ତ୍ୱ ଆପଣମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚାଇବୁ ଆଜିର ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ନେଉଛୁ ମେଲାଣି ଜୟ ଶ୍ରୀ ସୂର୍ଯ୍ୟ ନାରାୟଣ ପ୍ରାର୍ଥନା ଆମ ଆନନ୍ଦର ଉତ୍ସ